डंबल्स को ऊपर ले जा रहे हो या नीचे ले जा रहे हो, आपकी पूरी एकाग्रता आपके शोल्डर के मसल्स पे ही होनी चाहिए, तभी उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, आपको असर भी दिखेगा। आप डंबल्स को ऊपर ले जाएं या नीचे लाएं, आप दोनों हाथ की कोहनियों को बैंड करिएगा, उन्हें एकदम से सीधा मत रखिएगा, कोहनियों को बैंड करके ही आप ऊपर उठाएंगे, बैंड करके ही डंबल्स को आप नीचे ले जाएंगे। जब भी आप डंबल्स को नीचे लाएंगे, आप अपने ट्रेस्ट के मसल्स पे बिल्कुल भी प्रेशर मत दीजिएगा शीशे में देख के, ताकि वो निकल के आए। आप अपनी सारी टेंशन फ्रंट शोल्डर के मसल्स पे ही दीजिएगा, वो बहुत अच्छी पोजीशन होगी, इससे आपका शोल्डर मसल्स भी गेन करेगी। जब आप डंबल्स को नीचे लेके आएँ, अपने थाई के आसपास ही रखें, थाई पे टिकाएँ नहीं, ताकि टेंशन आपके शोल्डर के मसल्स पे बनी रहे। जब भी आप डंबल्स को ऊपर ले जाएंगे, मुंह से पूरी सांस छोड़ देंगे। डंबल्स नीचे लाते समय नाक से पूरी सांस भर लेंगे, ब्रीदिंग का ख्याल रखिएगा। दोनों हाथों के डंबल्स को जब आप ऊपर उठाएंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा ना ही ऊपर ले जाएं, ना ही एकदम से नीचे रखें, लगभग आप अपनी आँखों और माथे के बीच में रखें, माथे की सिधाई में आप लेके जाइए, वहीं थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करें, फिर एकदम से स्लो मोशन में ही रिलीज करिए, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। डंबल्स बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने में फुल मोशन होगा, पर वो शायद करने में आपको दिक्कत होगी। इस एक्सरसाइज में आप हैवी वेट मत उठाइए, जितना आपसे हो सके आराम से, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस कर सकें उसी को लेके करिए। रेप्स को थोड़ा हाई रखने की कोशिश करिए, 10 से 15 के बीच में रखिए। अगर आपको अपने शोल्डर की मसल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस देनी है, तो आप डंबल्स को इस तरह से पीछे भी ले जाके होल्ड कर सकते हैं, बट आपको अपने पैर पे डंबल्स टिकाने नहीं है, बस आप डंबल्स को थोड़ा सा थाई से पीछे ले जाके वहाँ पे होल्ड कर लीजिए। जब भी आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, आप अपनी बैक या पीठ को एकदम से सीधा रखेंगे, स्ट्रेट रखने की कोशिश करेंगे, बॉडी मूवमेंट को कम से कम करेंगे, आप अपने शोल्डर की मसल्स का ही उपयोग करेंगे। इस एक्सरसाइज को आप एकदम से स्लो मोशन में करिएगा, आपको बहुत अच्छा इफेक्ट पता चलेगा। इस एक्सरसाइज को आप अधिकतर सिंगल हैंड से करिए, लेकिन अगर आपका मन करे आप कर सकते हैं तो दोनों हाथों से भी कर सकते हैं, डबल हैंड कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप इस एक्सरसाइज को डबल हैंड करेंगे, आपका मोशन और स्लो हो जाएगा। आप अपने बॉडी को जर्क मत दीजिए, अपने बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल में रखिए, बिल्कुल से झटका देके नहीं उठाना है। जब भी आप डबल हैंड से करेंगे, आपका मोशन और स्लो होना चाहिए। हर सेट के बीच में एक मिनट का रेस्ट जरूर से लीजिए, वो ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज को आप माइंड टू मसल कनेक्शन बनाते हुए मज़े लेके करिए, कोई मुंह बना के या चिल्लाते हुए करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है अक्सर लोगों को बहुत बुरी तरीके से मुंह बनाते हैं, मुझे हंसी भी आती है। सो आप एक्सरसाइज को इंजॉय करके करिए, उसको मज़ा लेते हुए करिए, वो ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छा देगी। Thanks for watching this video and thanks for your support. If you like anything, please subscribe my channel and press the bell icon also. Thank you.